सो आइए क्वेश्चन नंबर टू में आइए। क्वेश्चन नंबर टू में आइए। अ डिविडेंड पेइंग शेयर इज करेंटली प्राइस्ड एट 120, ठीक है। सो एस जीरो मेरे को दे दिया 120। एवरी थ्री मंथ्स द शेयर प्राइस विल आइदर इंक्रीज बाय या तो +25% होगा या फिर -20% होगा। एन इंश्योरर इज कंसिडरिंग परचेजिंग 6 month यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑन द शेयर विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 120। सो मेरे को के भी दे दिया है 120। Each share will pay a dividend of 4 just before the option expires. Risk-free force of interest 0%. Difference between American and European. उसके बाद में हम लोग को बोल रहे हैं calculate the risk neutral price of the option using a binomial tree. Volatility ये सब निकालने बोल रहा है, ठीक है। So बहुत अच्छा question है, इसको read करिए, इसको चालू करेंगे फिर हम लोग। ठीक है, सो अमेरिकन मतलब क्या, कभी भी एक्सपायरी हो सकता है, सॉरी अमेरिकन का मतलब क्या होता है, अमेरिकन का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज इसको कर सकते हैं ऑन ऑब्लिक बिफोर एक्सपायरी, बट यूरोपियन का मतलब क्या होता है, ऑन एक्सपायरी। अमेरिकन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम अप टू एंड इंक्लूडिंग एक्सपायरी डेट। यूरोपियन ऑप्शंस ऑन द अदर हैंड कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एक्सपायरी डेट। सो बेसिकली इसका रिस्क न्यूट्रल प्राइसिंग निकालने बोला है। सो रिस्क न्यूट्रल प्राइसिंग में 120 से चालू कर रहे हैं। सो ऊपर गया तो 150, नीचे गया तो 96, फिर ऊपर गया तो 187.5, ठीक है, नीचे गया तो 120, ऊपर गया तो 120, नीचे गया तो 76.80, ठीक है। अब 4 रुपए का डिविडेंड होगा तो 4 रुपए पहले माइनस कर दो, डिविडेंड एडजस्टमेंट कर दो। सो आ जाएगा 183.50, 116, 72.80, ठीक है। अब इसके हिसाब से पे ऑफ निकाल दो, 120 का स्ट्राइक रेट है, 120 का स्ट्राइक प्राइस है, तो बेसिकली एक ही आएगा 63.50, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इसके बाद में क्यू, इसके बाद में क्यू निकालेंगे, बोला ना 4 रुपए का डिविडेंड देंगे जस्ट बिफोर एक्सपायरी। सो क्यू कैसे निकालेंगे, रिस्क फ्री जीरो है, सो 1 - 0.8 होल डिवाइड बाय 1.25 - 0.8। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सो दिस इज 4/9। सो मेरा कॉल ऑप्शन का जो वैल्यू होगा C0 विच इज 63.50 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को बोला है कि वोलेटिलिटी निकालने, वोलेटिलिटी के लिए यूडी शुड बी 1, ठीक है। सो बेसिकली टेबल बुक का पेज नंबर 45 में कैलिब्रेटिंग बाइनोमियल मॉडल्स, सो 1.25 u is e to the power sigma root step which is 3 months which is 3/12। सो यहां से हम लोग सिग्मा निकाल लेंगे, कैलिब्रेटिंग बाइनोमियल मॉडल्स हमने किया था। u is what e to the power sigma root बेसिकली टाइम पीरियड जो था, ठीक है। सो टाइम पीरियड यहां पर 0.25 है, तो यहां से हम लोग सिग्मा निकालेंगे। सो 44.63% आएगा, ये हम लोग को दिया हुआ है टेबल बुक का पेज नंबर 45 में कैलिब्रेटिंग बाइनोमियल मॉडल्स, ठीक है। इसके बाद में अपने को क्या बोल रहा है, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिस्क न्यूट्रल डेरिवेटिव प्राइसिंग अप्रोच। द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिस्क न्यूट्रल, इट इज अ कंप्यूटेशनली एफिशिएंट मेथड, डजंट रिक्वायर न्यूमरस सिमुलेशंस एज इन मोंटे कार्लो, नो अजम्पशंस नीड टू बी मेड अबाउट द रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द शेयर प्राइस मूवमेंट्स। क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, क्या बोलता है कि नो assumptions नीड टू बी मेड अबाउट द रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द शेयर प्राइस मूवमेंट्स। सो रियल वर्ल्ड प्रोबेबिलिटीज के बारे में कोई भी मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए,
Each investor's attitude towards risk does not need to be taken into account. क्योंकि सारे के सारे रिस्क फ्री रेट से ही ग्रो करेंगे. आर्बिट्रेज फ्री प्राइसिंग होगा. अ वाइड रेंज ऑफ डेरिवेटिव्स कैन बी प्राइस दिस वे. अ वाइड रेंज ऑफ डेरिवेटिव्स कैन बी प्राइस्ड दिस वे. ठीक है ना. सो ये हो गया. उसके बाद में मेरे को बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट मे बी डिफिकल्ट टू प्राइस दिस ऑप्शन यूजिंग Black-Scholes. द शेयर प्राइस फॉलोज GBM वेयर एज हियर द शेयर प्राइस इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. शेयर प्राइस ज्योमेट्रिक ब्रॉन मोशन फॉलो करता है. ठीक है. सो इट हैज दैट डिविडेंड्स आर पेड कंटिन्यूअसली. यहां पर जस्ट बिफोर एक्सपायरी डिविडेंड्स हो रहा है. ठीक है. वोलेटिलिटी इज कॉन्स्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट whereas here the volatility will be different over each time step due to dividend payment. So वहां पर क्या मानते हैं constant volatility का एक problem है. उसके बाद में dividend बोलता है कि continuously pay हो रहा है. बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. GBM की जगह यहां पर binomial model follow हो रहा है. constant volatility नहीं, यहां पर each time step में volatility change होगा due to dividends. और यहां पर dividend खाली expiry के पहले हो रहा है. ठीक है. उसके बाद में they are asking now consider an American option on the same underlying share with all parameters unchanged. Explain why you may expect the price of American option to be different in the same way that it's never optimal to exercise an American call written on a non-dividend paying share early. It's never optimal to exercise an American put in the absence of interest. So basically क्या बोल रहे हैं यहां पर basically starting में अपने call का बात कर रहे थे. पुट में अगर इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि देखो शेयर अपने बेचेंगे. शेयर अपने बेचेंगे क्यों? ताकि जो कैश आएगा उससे अपने को ब्याज आएगा. राइट. सो अमेरिकन पुट को भी अर्ली एक्सेस करके कोई मतलब नहीं है अगर ब्याज ही जीरो है तो. ठीक है. एन अमेरिकन पुट विच इज नेवर एक्सरसाइज अर्ली कैन बी वैल्यूड एज अ यूरोपियन ऑप्शन. देयरफॉर वी कैन यूज द पुट कॉल पैरिटी. सॉरी. सो बेसिकली अमेरिकन में क्या चेंज आएगा? The additional optionality of the American version of the contract will increase its value compared to the European contract. If there were no dividends, then the prices would be the same because it is never optimal. देखो never optimal क्यों? Option का दो part होता है. Option का जो price होता है वो दो part होता है. एक होता है intrinsic value और एक होता है time value. So basically जब आप sell करते हो जब option को sell करते हो तो आपको ये दोनों मिलता है. But जब उसको exercise करते हो तो आपको खाली क्या मिलता है? इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है. सो इसीलिए इट इज नेवर ऑप्टिमल टू एक्सरसाइज एन अमेरिकन ऑप्शन अर्ली. बट अगर अर्ली एक्सरसाइज से आपको फायदा कब होगा? जब एक ह्यूज डिविडेंड होने वाला है. ह्यूज डिविडेंड अगर होगा आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे देन यू विल बी एंटाइटल टू दिस ह्यूज डिविडेंड. ठीक है ना. सो आप देखते हैं ये लोग क्या लिखा है. बोलते हैं द एडिशनल ऑप्शनैलिटी ऑफ द अमेरिकन वर्जन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल इंक्रीज इट्स वैल्यू कंपेयर टू द यूरोपियन. इफ देयर वर नो डिविडेंड्स एंड द प्राइसेस वुड बी सेम. The dividends paid just before expiry will only be received by the investor if they own the share. Therefore, in this case, it may be optimal. Optimal कैसे होगा चीज समझना. अगर हम लोग option पकड़ के रखते हैं ये पूरा time के लिए, पूरा time के लिए अगर हम लोग option पकड़ के रखते हैं तो मेरे को interest का loss, interest का मेरे को gain हो रहा है. क्योंकि option में तो पैसा उतना नहीं लगता है ना. मेरे को interest का gain हो रहा है. Now I need to see कि interest का gain ज्यादा है कि dividend का gain ज्यादा है. जिसका पकड़ा भारी होगा वो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ द इंटरेस्ट गेन इज मोर डिविडेंड छोटा सा है तो अर्ली एक्सरसाइज नहीं करेंगे. बट इफ द डिविडेंड गेन इज मोर तो हम लोग अर्ली एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है ना. सो ये बहुत सिंपल सा चीज है. अमेरिकन को अर्ली एक्सरसाइज कब करना है? जब हम लोग को एक बहुत बड़ा डिविडेंड मिलेगा. बोलता है एक्सपायरी के जस्ट पहले एक डिविडेंड होगा. तो अगर मान लो मैं यहां एक्सरसाइज कर देता हूं तो मेरे को ये डिविडेंड मिलेगा. बट अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मेरे को ये डिविडेंड नहीं मिलेगा. नाउ आई नीड टू सी कि मेरे को कहां पर फायदा हो रहा है. ठीक है. एक बार दोबारा से इसको रीड कर लेते हैं. इफ देयर वर नो डिविडेंड्स एंड द प्राइसेस वुड बी द सेम बिकॉज इट इज नेवर ऑप्टिमल टू एक्सरसाइज एन अमेरिकन कॉल ऑप्शन अर्ली अंडर सच कंडीशंस द डिविडेंड्स पेड जस्ट बिफोर एक्सपायरी विल ओनली बी रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर if they own the share not the option. Therefore in this case it may be optimal in order to acquire the share and subsequent dividends. theek hai. So yahan par basically log kya bol rahe hai, fir put ka pricing ke liye bol raha hai. put ka pricing ke liye bol raha hai to bolta hai yahan par jo mera interest rate hai wo to zero hai to american put ka to koi matlab hi nahi hua na. put mein early exercise kab fayda hoga? jab hum share bech ke
कैश जनरेट करके उस पर इंटरेस्ट कमाएंगे, बट यहां इंटरेस्ट तो जीरो है, ठीक है। सो लोग नॉर्मल पुट कॉल पैरिटी से ही कर सकते हैं, नॉर्मल हम लोग उसको पुट कॉल पैरिटी से ही कर सकते हैं, ठीक है। पुट प्लस शेयर, पुट प्लस शेयर, बट डिविडेंड पेइंग कैसा करना होगा, सो पुट प्लस शेयर, पुट प्लस शेयर इज कॉल प्लस कॉल प्लस द स्ट्राइक प्लस द डिविडेंड, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, पुट इज इक्वल टू कॉल का अपने प्राइसिंग किए थे 12.54 आया था, प्लस 120 माइनस 120 प्लस 4, है ना। सो दिस विल बी 16.54, ठीक है। अपने दो टाइप का पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, सो कॉल प्लस कैश, कॉल प्लस कैश प्लस डिविडेंड, क्योंकि ये वाला में डिविडेंड आएगा, इस वाले में डिविडेंड नहीं आएगा। ये आपका मैच्योरिटी पे मैं कर रहा हूं, मैच्योरिटी पे मैं ये कर रहा हूं, ठीक है ना। Why is it never optimal to exercise American option call option early? क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप जब उसको देखो, मैंने यहां पर एकदम अच्छे से बताया कि आप जब सेल करते हो तो आपको सिर्फ सॉरी जब आप सेल करते हो तो आपको इंट्रेंसिक वैल्यू भी मिलता है, आपको टाइम वैल्यू भी मिलता है, बट जब एक्सरसाइज करते हो आपको सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू मिलता है, टाइम वैल्यू नहीं मिलता। तो कोई क्यों एक्सरसाइज करेगा, तो वो बेचेगा ना, वो बेचेगा उसको। बेचने से फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन का दाम है 8, उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है 5 और उसमें टाइम वैल्यू है 3, ठीक है। अब जब आप सेल करते हो सेल, तो आप 8 पे सेल करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको 5 होगा, राइट, बिकॉज वो मेरा इंट्रेंसिक वैल्यू है। सो बेसिकली कोई भी पहले एक्सरसाइज नहीं करेगा, बट पहले एक्सरसाइज करना फायदेमंद हो सकता है। अगर मान लो मेरे को 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो बेसिकली 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो आप एक्सरसाइज किए, यहां आपको हुआ और फिर ये डिविडेंड भी आपका हुआ, ठीक है। तो उस टाइप के चीज में हो सकता है कि अमेरिकन को अर्ली एक्सरसाइज करने में फायदेमंद हो। एंड पुट को अर्ली एक्सेस करने में क्या फायदा है कि भाई मेरे को मैं पुट से मैं बेसिकली मैंने शेयर बेच दिया, शेयर बेच के मैंने क्या किया, कैश जनरेट कर लिया, बिकॉज पुट इज व्हाट, राइट टू सेल, राइट टू सेल द शेयर, कैश जनरेट करके फिर मैं इसको इंटरेस्ट कमाया, राइट। सो पुट में मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट गेन ज्यादा है कि नहीं, इंटरेस्ट गेन ज्यादा है कि नहीं, ठीक है ना। सो ये एक चीज है, वही लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, बेसिकली इसका पार्ट 7 में। In the same way that it's never optimal to exercise an American call, it's never optimal to exercise an American put in the absence of interest. An American option which is never exercised early can be valued as a European option. ठीक है? So this was a very 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 good question. ठीक है? So basically in this paper we have done 2, 3, 4. We have done question number 9. Okay. बाकी के जो questions हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।